इंदौर में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना दवा व्यापारी के साथ उस समय हुई जब व्यापारी गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण कार को सड़क पर ही छोड़ गया था। बदमाश ने कार का कांच तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में दवा व्यापारी राजेश राजपाल सोमवार सुबह अपनी इंडिका कार से दुकानदारों से पेमेंट लेने निकले थे। इसके लिए वो पहले गीता नगर गए, जहां से कैश लेकर वो उषा नगर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर ठीक कराने के लिए वो गाड़ी को लॉक कर मैकेनिक की दुकान पर मदद लेने चले गए। इस दौरान उनका कैश से भरा बैग गाड़ी में ही रखा हुआ था। जब वो वापस आए तो पाया कि गाड़ी के पीछे का कांच टूटा हुआ है और उनका पैसों से भरा बैग गायब था। घटना के बाद राजेश ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मुताबिक चोरी हुए बैग में 6 लाख की राशि के साथ साथ बिना साइन किए कुछ ब्लैंक चेक भी थे। पुलिस का मानना है कि वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने राजेश को फॉलो किया होगा और मौका मिलते ही बैग पर हाथ साफ कर दिया। ना बता रहे हैं फरियादी राजेश राजपाल कि उनकी कार पंचर हो गई थी, तो वो पंचर की दुकान पे पंचर वाले को लेने गए थे। इस दरमियान किसी अज्ञात लड़के ने उनके कार का पीछे का कांच फोड़ के उसमें से जो बैग था, बैग में पैसा रखा हुआ था, बता रहे हैं 6 लाख रुपए रखा हुआ था, कोई चुरा कर ले गया। हो सकता है किसी ने फॉलो किया हो, जहाँ से पैसा लेकर चले हैं वहाँ से पीछे लगा हो और यहाँ उसको ऐसा लगा कि यहाँ मौका मिल गया है तो यहाँ कांच फोड़ के पैसे निकाल लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।